हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसएसजी। एसएसजी मींस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है और क्या चैलेंजेज वो फेस कर रहे हैं। और जब भी आप, हमने हमेशा बताता हूँ, जब भी आप चैलेंजेस के बारे में लिखें तो कुछ मेजर्स जरूर लिखें खुद से। प्लीज डू राइट मेजर्स व्हेनेवर यू राइट चैलेंजेस। सो अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी जानते हैं, एसएचजी के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि आप खुद से पहले इस चीज को लिखने का प्रयास करें और फिर देखें कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और आप इस वीडियो के थ्रू देखें कि कैसे हमने अप्रोच किया, फिर उस तरह से अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने अप्रोच को बना सकते हैं। और काफी पॉइंट, जरूरी नहीं कि हम दोनों की पॉइंट सिमिलर हो मिले, पर सिमिलर अगर अप्रोच ठीक है तो अच्छी बात है। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते इस बारे में तो आप इस वीडियो को देखें, देखें कि हमने कैसे अप्रोच किया है, फिर उस हिसाब से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। पर प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू आंसर राइटिंग। सो देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप इस चीज को। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सिंपल बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में आप कुछ फैक्ट डाल सकते हैं, फैक्ट्स आर बेस्ट, या फिर आप डिफिनेशन डाल सकते हैं, बोथ आर बेस्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल एक डिफिनेशन लिख देते हैं एसएसजी की, दो मैं मैक्सिमम टाइम करता हूँ फैक्ट्स, क्योंकि जनरली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो डिफिनेशन इज बेस्ट। That SSG is nothing but a village level financial intermediary committee. ये एक विलेज लेवल कमेटी है, रूरल कमेटी है। Normally consists of local men and women, जिसमें local men and women रहते हैं। Local men and women ही एक consisting है। Generally आप देखेंगे तो 10 to 20 men and women मिलकर के SSG बनाते हैं, जिसमें कि वो अपने कुछ भी काम के लिए financial help for anything they make it for it. और यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं, सच एच कुदम श्री कैप एग्जांपल लिख सकते हैं। इट इज अ वेरी सक्सेसफुल एसएसजी, आई थिंक इट इज फ्रॉम केरला, मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद ये केरला की एक एसएसजी है। सो एक वेरी सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो आप ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू विल इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन, कुछ फैक्ट एसएसजी के बारे में तो आप उसे लिख सकते हैं। तो आप ये सबसे पहले क्या है, रोल, रोल ऑफ एसएसजी इन वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले हम रोल देखेंगे, रोल ऑफ एसएसजी इन वुमेन एम्पावरमेंट, क्या रोल है। तो सबसे पहला रोल जो है, दैट इज एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी। क्यों चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अगर एसेस ऑफ क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी रहेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे हम लेस डिपेंडेंट, अगर ऐसे हमारे पास क्रेडिट के एक्सेसिबिलिटी रहेगी तो हम डिपेंडेंट क्या रहेंगे मनी लेंडर, हमारे पास भाई खुद क्रेडिट है, मैं क्यों तुमसे मांगने जाऊं। तो लेस डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स। क्या होता है जब हमारे पास क्रेडिट होता है, गांव के लोग जब मनी लेंडर्स के ऊपर अधिक डिपेंडेंट हो जाते हैं तो अधिक रेट्स पे, अधिक इंटरेस्ट रेट्स पे उन्हें पीपल को गिव लोन टू रूरल पीपल, क्योंकि वो ज्यादा फाइनेंशियल तो बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा करते नहीं, रूरल पीपल ज्यादा बैंक्स के ऊपर कर नहीं पाते, दे आर अनअवेयर, तो मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर अधिक अधिक इंटरेस्ट में उन्हें चुकाने पड़ते, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में लिख सकते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव काफी आईवीएवी, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सो जब क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी रहेगी, हमारे पास क्रेडिट रहेगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन रहेगा, हम लोग लेस डिपेंडेंट रहेंगे मनी लेंडर्स पे, तो दीज आर मेजर फैक्टर्स, मेजर रोल ऑफ एसेस टू क्रेडिट। और क्या हो सकता है भाई, कैपिटल फॉर्मेशन, हम लोग सब पैसा जमा करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा,
माइक्रो फाइनेंस के थ्रू और कैपिटल फॉर्मेशन इन एट रूरल लेवल इज वेरी गुड थिंग। जब हमारे पास कैपिटल का फॉर्मेशन होगा तो हम उस कैपिटल को काफी चीज में यूज कर सकते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, देयर विल बी ग्रोथ ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आप कुछ एग्जांपल डाल सकते हैं, सोशल सर्विसेज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की एक अच्छी एग्जाम्पल अभी आई है आजीविका एक्सप्रेस। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन रूरल एरिया, ट्रांसपोर्ट इन जो भी आपके पास एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल पर तो यूज जरूर करें। एग्जाम्पल विल एनहांस योर मार्क्स। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली इन दिस आई हैव गिवन एज एग्जाम्पल बट काफी सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी एनहांसमेंट मिल सकती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। स्किल्स टू मेन, हमें एसएसजी अच्छे एसएसजी ह्यूमंस के स्किल को बढ़ावा देंगे, दे विल इंक्रीज द स्किल्स ऑफ ह्यूमन। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा, दैट इज कुदम मुसरी। ये वुमेन्स के स्कूल के स्किल्स को अच्छा बढ़ावा देती है कुदुम श्री, दे ट्रेन वुमेन्स ऑन वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो ये सारे चीज है इस तरह से वुमेन्स के एम्पावर कर सकते हैं एसएसजी, और भी काफी सारे हैं मैं उसे डिस्कस करूंगा। सोशल वेलफेयर में अच्छा काम कर सकता है ये। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मैंने एक बार न्यूज पेपर कहीं पे पढ़ी थी कि कुछ वुमेन्स जो है वो कम टूगेदर हो, वो साथ आ करके दे कैम टूगेदर close a liquor shop, to close a wine shop or you can say liquor shop, शराब की दुकान थी अपने विलेज में बंद कर दी, because due to this liquor shops domestic violence बढ़ा था विलेज में, लोग पी के आते थे अपने वाइफ्स को मारते थे। सो सोशल वेलफेयर भी हो सकता है एसएसजी के थ्रू, अगर ये वुमेन्स किसी एसएसजी के मेंबर्स होंगे तो वो लोग ये सब चीज सोशल वेलफेयर देख सकते हैं, हो सकता है सोशल हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो खैर हो गई, कैसे हो सकता है, कलेक्टिव फार्मिंग कर सकते हैं हम, कलेक्टिव फार्मिंग, बी कीपिंग दैट इज एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी कल्चर, तो दैट इज सिल्क वेयरिंग। तो ये वुमेन सब कुछ कर सकती हैं अगर साथ में वो लोग मिल जाए ये सब चीज करें तो, उनसे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, वो पैसे कमाएंगी। सो दिस कैन बी यहाँ पे गेम चेंजर का काम कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट ट्राई दिस। पॉवर्टी एलिवेशन में काम होगा ऑब्वियसली, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी लोगों के पास पैसा होगा तो पॉवर्टी तो रहेगा ही नहीं ना, पॉवर्टी नहीं रहेगा एलिवेट करेगा। और काफी सारे रीजन है जिस तरह से वुमेन्स को हेल्प कर रहा है, जनरली हेल्प कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और आप उन सब चीजों को लिखें कमेंट्स करके बताएं और क्या क्या रोल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो इससे क्या होगा कि हम इंटरेक्टेड फील करेंगे तो काफी अच्छा होगा, आप काफी चीज से सीखने को मिलेगा। जैसे आप कमेंट्स करते हैं वीडियो को देखते हैं तो चीज आपके दिमाग में जहन में याद रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ लिखिए कमेंट्स कीजिए, सो दैट विल मेक आवर इंटरेक्शन वेरी नाइसली। तो ये तो होगी भाई तो रोल की बात, रोल की। अब चैलेंजेस की भी बात है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को देखें अच्छे से तो देखिए यहाँ पे चैलेंजेस की बार बारे में बोला गया है, तो क्या चैलेंजेस हो सकती है भाई, चलो देखते हैं वो भी क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर के। सो फर्स्ट वन इज रीजनल इम्बैलेंस। आप सब देखेंगे साउथ इंडिया में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पेनिट्रेशन अधिक है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे सोसाइटीज अभी तक डेवलप नहीं हुई है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। ऐसा नहीं मैं सोसाइटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो साउथ इंडिया में पेनिट्रेशन ऐसे आपको साउथ इंडिया में हर एक लगभग मेनी विलेजेस वी विल फाइंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, जिसमें काफी कम जगह आप अपने ही गांव में देख लीजिए नॉर्थ इंडिया में, अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो काफी कम आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, सभी आप मेंशन जरूर करें लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एक्सेट्रा। सो ट्रेनिंग नहीं हो पाती है वुमेन्स की या सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स की, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ये सब एक चैलेंजेस है। और आप देखें लो लिटरेसी है स्पेशली अमंग वुमेन्स, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाना, एक पैसे की लेन देन, एक अच्छे डाटा को बनाना, ये सब अगर आप अच्छे से लिटरेट नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली रूरल वुमेन्स में ये प्रॉब्लम है, लो लिटरेट, लिटरेसी ऑफ रूरल वुमेन्स इज लो, सो दिस कैन बी अ चैलेंज।
there are many challenges in rural micro enterprises, such as they face problem in raising funds को इकट्ठा करने में उन्हें problem होती है, fund generate नहीं कर पाते हैं, they face problem in not having technical expertise, technical assistance उनके पास नहीं होती है. टेक्निकल असिस्टेंस उनके पास नहीं होती एक माइक्रो एंटरप्राइज को चलाने के लिए. सो ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस. और भी काफी सारे इश्यूज हैं गवर्नेंस को रिलेटेड. प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, प्रॉपर क्वालिटी नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इरेगुलरिटी है फंक्शंस में, इरेगुलरिटी इन functions. So these are the major challenges related to self-help groups. There are many other challenges, so you should find them. आपको पता होनी चाहिए क्या अदर और भी challenges हैं और comments करके बताएं क्या क्या और भी challenges हैं. अब चलिए भाई हमने challenges की बात तो कर ली. देखिए कभी 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 questions में से इस questions में देखिए कहीं पर major का जिक्र नहीं किया गया, बस challenges और ये इसका जिक्र की गया. लेकिन जब भी challenges आप लिखें तो उसके कुछ way forward, कुछ majors जरूर लिखें. It is very important to write majors in way forward. It will fetch you good marks. तो इसमें आप क्या way forward लिख सकते हैं? Challenges तो हम सबने देख लिए. Government programs can be implemented through SSG. Implementation of government programs through SSGs. Government programs can be implemented through सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इससे क्या होगा, देखिए जब गवर्नमेंट अगर और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिल जाएंगे, प्रोग्राम्स उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग है उनके पास, सेल्फ गवर्नेंस बढ़ेगा. और महात्मा गांधी का जो एक इसमें सेल्फ गवर्नेंस एक सपना था उनका, गांधी जी का एक ड्रीम था सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है, रूरल लेवल पे सेल्फ गवर्न्ड हो सब चीज. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट प्रोग्राम से अगर इंप्लीमेंट हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, तो ये सब चीजें आप सब देखेंगे. इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सेल्फ गवर्नेंस बढ़ेगा. रूरल अवेयरनेस चाहिए, रूरल अवेयरनेस कैंप हम लोग बढ़ा सकते हैं. रूरल अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू, कैंप्स अगर होंगे तो उनसे अवेयरनेस फैलेगी ही फैलेगी, फैलाना होगा. हमें ट्रेनिंग देना होगा स्पेशली टू ग्रुप मेंबर्स, टू एसएसजी मेंबर्स को ट्रेनिंग करना होगा और मोटिवेट करना होगा और मेंबर्स को कि एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो जुड़े. तो अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी तो अच्छी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, अच्छी से डाटा मैनेजमेंट होगा, अच्छा ट्रांसपेरेंसी होगा, अच्छा एफिशिएंसी होगा, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा से ट्रेंड होगा. क्योंकि पहले तो वो लोग की बस लिटरेसी अच्छी नहीं है, इलिटरेट है वो लोग, और अच्छी ट्रेनिंग के साथ वो सब सीख सकते हैं कैसे मैनेज करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा इससे, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी मेंबर्स की. कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमें इस पे एम्फेसिस करना होगा. एम्फेसिस ऑन एसएसजी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. वुमेन्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटीज को जगानी होगी ताकि वो स्टार्टअप करें, स्टार्टअप करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, सो ये सब चीजें अगर होंगी तो फिर अच्छे से एमएसएसजी को, अच्छे से एसएसजी का जो रोल है वो अच्छे से पता हो पाएगा, एसएसजी अच्छे से काम करेगी और हम एक अलग टाइप के सोसाइटी में रहना शुरू करेंगे. और भी काफी सारे मेजर्स आप लिख सकते हैं, कमेंट्स करके बताएं और क्या क्या मेजर्स हैं. तो ये तो बात होगी भाई क्वेश्चन की. अब आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करेंगे? मैं ऑलवेज कंक्लूड विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, कुछ भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई. एक अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ आप कंक्लूड कर दो एग्जामिनर को, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. कभी कभी हम बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में कंक्लूजन को अपनी सारी कंक्लूजन को खराब कर देते हैं और एग्जामिनर सबसे लास्ट में कंक्लूजन पढ़ता है. देखा कंक्लूजन खराब, तो हो सकता है आपके ये सब पे 7 मार्क्स हो देने वाला था, कंक्लूजन थोड़ी खराब थी, चले आज से. तो एक होता है ना कि लास्ट टाइम आप खराब नहीं कर सकते, जस्ट एक सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दें. जैसे मैंने इसमें लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन बी सस्टेनेबल टूल टू कॉम्बैट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्पावर लो इनकम हाउसहोल्ड,
फाइनेंशियल इंक्लूजन लाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट करेगा, कुछ भी एक अच्छा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं हमेशा बोलता हूँ कि काफी मेहनत लगती, सच में काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में और उस दिन आपके सामने को लाने में। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसमें क्या क्या और मेजर्स हो सकते हैं, क्या रोल्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस और हैं, तो एक इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा हमारे और आपके बीच, और ऐसे काफी मोटिवेशन मिलेगी मुझे ताकि मैं ऐसी और भी ऐसी वीडियो आप सबके लिए बनाऊं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।